दोस्तों आए दिन लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाए जाते हैं, किसी के अकाउंट से 20,000 तो किसी के अकाउंट से 40,000 तो किसी के अकाउंट से 60,000। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा एक वीडियो है केबीसी के बारे में, केबीसी फ्रॉड के बारे में, जिसमें हजारों लोगों के साथ में फ्रॉडबाजी हुई है। हाल ही में एक कॉमेंट आया था कि सर मेरे अकाउंट से 65,000 रुपये उड़ाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे गरीब लोगों के अकाउंट से भी पैसे उड़ाए जा चुके हैं, उनके अकाउंट में मुश्किल से सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये हुआ करते थे, लेकिन अब वो बेचारे रो रहे हैं। इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ताकि लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। मैं आपको कम से कम 2 वीडियो देखने के लिए रेकमेंड करूंगा, एक ये और एक ये। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखें। खैर हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो लोग फ्रॉड होते हैं वो लोग मेरे साथ भी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास एक कॉल आया था और बोल रहा था कि मैं फ़ोनपे से बोल रहा हूँ और आपको इतने इतने रुपए का रिवॉर्ड मिले हैं। मैं उतने ही में समझ गया कि ये लोग फ्रॉड है और रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दिया था ताकि आप सभी लोगों को दिखा सकूं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मैं उसे लास्ट में बोलना चाहता था कि मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं, लेकिन वो मेरे बोलने से पहले ही वो गाली देके कट कर दिया था। उसने गाली दे दिया यार। खैर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, तो चलिए रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, तो चलिए रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं। जो कैशबैक दिया गया है 1995 रुपया, वो कैशबैक आपने रिसीव क्यों नहीं कर पाए सर? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं फोन पे कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ सर। फोन नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विपिन गुप्ता सर। विपिन गुप्ता, ओके बताइए क्या क्या बता रहे हैं आप? जी आपने जो कैशबैक मिला है 1995 रुपया, वो कैशबैक आपने रिसीव क्यों नहीं कर पाए सर? कैशबैक मिला है जी सर। कहाँ मिला है? आपको रिवॉर्ड में दिया गया है, आपने जो फोन पे चलाया ना फोन पे। हाँ जी, फोन पे का रिवॉर्ड में दिया गया सर। रिवॉर्ड ऐसा बोला लग रहा है कि रिमोट में बोल रहा है। कौन से? माई मनी में? जी सर। अच्छा, माई मनी में तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। जी आपने जो फोन पे चला रहा ना फोन पे सर, हाँ अपना फोन को ओपन कीजिए सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओपन क्या हुआ है? हाँ, ओपन करने के बाद देखिए कोने में बेल आइकन घंटी है ना, नोटिफिकेशन का। जी अच्छा, उस पे बेल आइकन घंटी को टच कीजिए सर। टच किया। हाँ, टच करने के बाद देखिए उसमें आपको कैशबैक दिख रहा है 1995 रुपया? नहीं नहीं दिख रहा है सर। नहीं जी, आपको बेल आइकन घंटी को टच करने के बाद उसमें नहीं दिख रहा जी। इसमें दो ही ऑप्शन है, यू हैव सेट। वहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था, जो बता रहा था उधर से कुछ भी नहीं शो हो रहा था। वो लोग का एक स्ट्रैटेजीज होता है कि भाई उसको बताओ कि वहाँ पे दिख रहा है, तो बोले कि नहीं दिख रहा है, तो फिर उधर से वो भेजता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। F7 rewards waiting, scratch, win, enjoy. जी सर, तो अपना डाटा का ऑन किया है जी? डाटा ऑन है मेरा। आपका नेट चल रहा? सबसे पहली बात ये है कि जब मैं फोन पे का जो बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तभी चेक कर पाएंगे जब डेटा ऑन रहेगा। उसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि डेटा ऑन है तभी तो वो एक्सेस कर पा रहा है फोन पे। बिल्कुल चल रहा है, बताएं। हेलो, हेलो सर, 2 मिनट लाइन पे रुकिए सर। बिल्कुल, थोड़ा जल्दी करें, टाइम बहुत कम है मेरे पास। जी सर, आप 2 मिनट लाइन पे रुकिए। उधर से वो अपना खुरापाती दिमाग लगा रहा है। हेलो सर। हाँ जी। हाँ, अपना फोन पे के देखिए बैक कीजिए एक बार सर। यहाँ पे मैं इसलिए रुक गया क्योंकि मैं कॉल रिकॉर्डिंग सेट कर दिया और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने लगा, इसलिए थोड़ा सा गैप ले लिया। क्या बोल रहे हैं? अपना फोन पे जो बैक किए सर। हाँ जी, एक सेकंड मैं पूरा फिर से करता हूँ, ठीक है? जी सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर रहा था उस टाइम। क्या फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है ना? हाँ, अपना फोन को ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन किया। हाँ, ओपन करने के बाद देखिए बेल आइकन घंटी को टच कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। फोन पे एप्लीकेशन ना? हाँ, बेल आइकन घंटी को टच किए सर। फोन पे ओपन किया। जी सर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है 999। जी सर, तो आपको एक बार में 1995 रुपया नहीं शो कर रहा है सर, इसीलिए आपको 999 रुपया दे रहा है सर। अच्छा, ओके जी, आपने जो फोन अपना खाते में भेजिए सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ सर। अच्छा बोलिए। हाँ देख, ये खाते में भेजने के लिए बोल रहा है,
जब रिवॉर्ड मिला है तो उसको खाते में भेजने के लिए बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या बोलेगा ये। हेलो हेलो सर। बोलिए, सुन पा रहा हूँ। पे को टच किए सर? टच किया। हाँ, पे को टच करने के बाद सेंड आ रहा ना? सेंड को टच कीजिए। टच किया, बट यहाँ पे शो हो रहा है ऑन टैपिंग पे मनी विल बी डिडक्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड पेमेंट मोड, और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन क्यों आ रहा है, रिसीव क्यों नहीं आ रहा? सेंड किए सर, सेंड को टच किए। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सेंड का ऑप्शन क्यों आ रहा है, रिसीव करना चाहिए ना? जब खाते में भेजिए सर, अपना जो सेंड आ रहा है सर, अपना खाते में भेजिए। देखिए पहले पहले क्या बोला कि पहले आप पे पे क्लिक करें, ठीक है? पे पे क्लिक करने के बाद क्या बोले, सेंड पे क्लिक करें। सेंड का मतलब होता है भेजना। भाई आप किसे भेज रहे हो, यहीं पे सोचने वाली बात है कि पैसा जो मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है तो भाई हम भेज किसे रहे हैं। तो इस तरीके से वो कन्फ्यूज़ करता है कि भाई अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको सेंड पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़ कर रहा है कि आपका जो सेंड का जो ऑप्शन आ रहा है वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, जो भी रकम है वो बैंक अकाउंट में जाएगा, बट आपके बैंक अकाउंट में ना जाके बल्कि उसके अकाउंट में जाएगा, इसलिए सेंड का ऑप्शन आता है वहाँ पे। उसके बाद फिर पिन का ऑप्शन आता है। अरे भाई, मेरे खाते में आता है तो वहाँ पे रिसीव करके आता है, सेंड का ऑप्शन कैसे आएगा? सेंड का ऑप्शन अपना, इट्स पॉसिबल मैन, अकाउंट नंबर आपका बैंक नाम आ रहा है, अपना खाते में भेज रहा है जी। अच्छा, खाते में भेज रहे, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं फोन पे कस्टमर केयर से बात। यहाँ पे मैंने उसका मजाक उड़ाया है कि फोन पे कस्टमर केयर से, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ना बोल के फोन पे कस्टमर केयर। फोन पे कस्टमर केयर से बात कर रहे हो आप? नाम क्या है? विपिन कुमार ना जी। अच्छा, कहाँ, बिहार में हो? दोस्तों एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि जब भी कोई बंदा आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफ़र करता है, चाहे कितना भी रकम हो, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे सेंड पे करो, सेंड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हमेशा याद रखें, फ़ोनपे वाला कभी कॉल नहीं करता है। और इस तरीके से बोला गया कि आपको रिवॉर्ड मिले हैं बैंक अकाउंट में लेने के लिए, आप ये करें, ऐसा कुछ भी मत करना मेरे भाई, वो सब फ्रॉड होते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाके देखें उन वीडियोस को। और जिन टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट जाने का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉडबाजी हो रही है। 65,000 रुपये तक फ्रॉडबाजी हुई है। मेरे KVC वाला जो वीडियो है कि KVC के नाम पर जो फ्रॉडबाजी हो रही है, उसमें कमेंट्स भरे पड़े हैं। अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, फिर भी मैं अवेयरनेस वाली जो वीडियोज मैं अपलोड करते रहता हूँ ताकि लोग का कुछ भला हो सके। तो इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।